कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुन लेते हैं। होता क्या है, किसानों की आंखों में धूल झोंकी जाती है और उनके साथ अद्भुत और अकल्पनीय सरकार धोखा करती है, सरकार धोखा करती है, उनको ठगती है, उनके साथ एक तरह से उनकी कृषक की जो आर्थिक स्थिति है जो दिन पे दिन बदतर हो रही है उसका एक सबसे मुख्य कारणों में से एक कारण है। अब होता क्या है, एक तालाब है उस पर गेहूं लगा हुआ है और बीज का उत्पादन हो रहा है। चार प्रकरण है उज्जैन के मुख्यमंत्री जी के जिले के, चलो निकाल के इनको दो, तालाब है पर हमारे संभाग के उज्जैन संभाग के बीज प्रमाणीकरण अधिकारी ने कहा, ये आपको विथ एविडेंस देंगे, ये उन्होंने कहा कि यहां बीज का उत्पादन हुआ है, सरकार एग्रीमेंट करे और किसानों को बेच दे, बंजर भूमि है, गेहूं और सोयाबीन दोनों के उत्पादन हो गए उसमें, पहाड़ी जमीन, ये छह प्रकरण है, ये भी उज्जैन के। प्याज लहसुन मटर आलू चना के खेत में गेहूं का उत्पादन बता दिया, पटवारी को लिखना पड़ता है रकबे के अंतर्गत कि इस समय इस किसान की रबी की और खरीफ की फसल क्या लगी है, तो लगा था प्याज, लगा था लहसुन, लगा था मटर।